हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इस वक्त देश में बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका किया बड़ा ऐलान। भाजपा के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। बता दें कि आडवाणी 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए 1990 के दशक में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी और उस वक्त हम उन्हें बिहार में गिरफ्तार भी किया गया था। उनके खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा भी चलाया गया था। फिलहाल वे भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हैं। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी काफ़ी सुर्खियों में आए थे। राम मंदिर में कब तक पूरा होगा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का काम? आ गया बड़ा अपडेट, ये है डेडलाइन। राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यहां बचे हुए बाकी निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। यह जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में अब निर्माण कार्य पुनः शुरू होना है। जो परिक्रमा की दीवार है उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय तल पर राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाएगा जो वर्ष 2024 में दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मंदिर में निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, पर कोटा का काम पूरा होना है। 795 मीटर की परिक्रमा दीवार का काम पूरा होगा। इसके अलावा मंदिर के निचले चबूतरे का आइकॉनिग्राफी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर के पहले और सेकंड फ्लोर के काम पर जानकारी देते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी ने कहा कि पहली और दूसरी मंजिल पर राजाराम का दरबार का काम अब तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा। यह दिसंबर 2024 में पूरा भी हो जाएगा। राम मंदिर, जिसे अब बालक राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसमें दिन में 6 बार आरती की जाएगी। सोमवार को भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उनकी पूजा और आरती में भी बदलाव होने जा रहा है। पूरी विधि को व्यवस्थित कर दिया गया है। आरबीआई साल के मध्य तक दरों में नहीं करेगा बदलाव, पहली कटौती 2024 की तीसरी तिमाही में मुमकिन। रॉयटर्स द्वारा अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक 8 फरवरी को होने वाली बैठक में अपने प्रमुख ब्याज दर को 6.50% पर ही बरकरार रखेगा और इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई कम से कम जुलाई तक दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। गौरतलब है कि कुछ विकसित बाजारों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से इसके कुछ पहले ही दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। रेपो रेट में कुल 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी करने के बाद आरबीआई ने फरवरी 2023 से इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। देश में महंगाई काफी हद तक आरबीआई के 2% से 6% के लक्ष्य सीमा के भीतर रही है, जिसकी वजह से आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। कुछ हफ्ते पहले ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास जताया था कि मौजूदा मौद्रिक नीति महंगाई को उसके 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य पर वापसी ला सकती है। इस समय महंगाई टॉलरेंस लिमिट के ऊपरी छोर के करीब है और भारत ने सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रखा है, इसलिए निकट भविष्य में दर में कटौती की संभावना नहीं है।
ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने से हिंदू समाज खुश। विश्व हिंदू महासंघ ने किया यज्ञ हवन, मुस्लिम समाज से की ये अपील। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की कोर्ट से अनुमति मिलने से हिंदू समाज खुश है और गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज से भी देश की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने की अपील की है। गोरखपुर के गोलघर स्थित काली माता के मंदिर पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यज्ञ और हवन किया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए खुशी जताई है। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से हिंदू समाज काफी खुश है। उन्होंने कहा कि 30 से 31 साल पहले मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानवापी मंदिर पर ताला लटकवा दिया था। कोर्ट के निर्णय से 30 साल के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। कोर्ट के निर्णय से वे लोग काफी खुश हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिया अपने पद से इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने अपने भेजे गए पत्र में कहा है कि व्यक्तिगत कारणों और कुछ दूसरी प्रतिबद्धताओं की वजह से वो पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे। राज्यपाल के खिलाफ भगवंत मान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल पुरोहित पर सरकार को तंग करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे। लोकतंत्र में इलेक्टेड को राज करने की इजाजत है, लेकिन यहाँ सिलेक्टेड को राज करने की आदत पड़ गई है। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई पर राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा पेटीएम फिनटेक है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी। फिनटेक कंपनी पेटीएम इस समय केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की बड़ी कार्रवाई से जूझ रही है। अभी से लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि फिनटेक या औद्योगिक कंपनी होने के नाते किसी भी एंटिटी को नियामक निरीक्षण से छूट नहीं मिल जाती है। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स के लॉन्च के मौके पर कही है। बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामकीय मानकों और अनुपालन से जुड़े हुई जरूरतों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और इस पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एक सेक्टोरल नियामक के पास सेक्टर के भीतर की हर एंटिटी को रेगुलेट करने का पूरा अधिकार है। आरबीआई ने ऐसा किया है और ऐसा करना उनके दायरे में है। उन्होंने आगे कहा कि फिनटेक होना या टेक कंपनी होने का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी भी रेगुलेटरी निगरानी से मुक्ति मिल गई है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेटीएम का नाम लिए बिना कहा था कि वह फिनटेक सेक्टर के लिए पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार फिनटेक को लेकर उत्साहित है। जिंदा है पूनम पांडे, वीडियो शेयर कर बताया क्यों फैलाई थी मरने की झूठी खबर। एक्ट्रेस पूनम पांडे की डेथ की खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया था। खबर में कहा गया था कि पूनम सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जानकारी शेयर की है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें वह खुद कह रही है कि वो बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। बता दें कि पूनम ने कहा कि मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाह रही हूं। मैं यहां हूं, जीवित हूं। सर्वाइकल कैंसर ने मेरी जान नहीं ली है, लेकिन दुखद बात यह है कि इससे उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो इस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पैदा हुई है। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि HPV वैक्सीन और शीघ्र पता लगाना हमारे पास यह सुनिश्चित करने के साधन है कि इस बीमारी से किसी की जान न जाए। आइए जागरूकता के साथ एक दूसरे को सशक्त बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर महिला को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी हो। आइए मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। दरअसल एक्ट्रेस ने 4 फरवरी को कैंसर डे पर सभी को जागरूक करना चाह रही थी, इसके लिए उन्होंने ये खास तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही उनके कथित मरने की खबर शेयर की गई थी, जिसके बाद हर तरफ जैसे तूफान समझ गया था और इस पोस्ट में बताया गया कि पूनम का निधन सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो गया।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख को कांग्रेस का खुला ऑफर, कहा वो हमारे साथ आ जाएं तो हम उनको सीएम बना देंगे। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन अभी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और इसी के साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है और विस्तार भी हो गया है। लेकिन इन सभी अटकलों के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतनराम मांझी हम पार्टी के लिए 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जीतनराम मांझी को सीएम पद का ऑफर दे दिया है। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से जब मीडिया ने ये सवाल किया कि जीतनराम मांझी एनडीए से 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने जीतनराम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ अगर आ जाएं तो हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। न्याय को प्रोत्साहित करने पर दिया जा रहा है जोर, कॉमनवेल्थ सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कॉमनवेल्थ लीगल एसोसिएशन 2024 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। अब 3 नए कानूनों ने 100 साल से अधिक पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की जगह ली है। पहले सजा और दंडात्मक पहलुओं पर ध्यान था और अब न्याय को प्रोत्साहित करने पर है, इसलिए नागरिकों में भय के बजाय आश्वासन की भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अतुल्य भारत का पूरा अनुभव लें। यहां अफ्रीका से अनेक लोग आए हैं, भारत का अफ्रीकी संघ के साथ विशेष संबंध है। हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बना। इससे अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के नज़रिए से नहीं लड़ा जा सकता है। झारखंड में 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट, टूट के डर से रिजॉर्ट में जेएमएम कांग्रेस के विधायक। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी उठापटक जारी है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ ली है और उन्हें 5 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। इस बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम गठबंधन के लगभग 40 विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना ले जाया गया है। आशंका है कि चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले ही हेमंत सोरेन केंद्र की भाजपा सरकार पर एक निर्वाचित सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद चंपई को अपना उत्तराधिकारी चुना था। सीएम सोरेन के इस्तीफे के 2 दिन बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसे भाजपा पर सत्तारूढ़ विधायकों को तोड़ने में जानबूझकर नई सरकार गठन में देरी करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि कांग्रेस की तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी एक रिजॉर्ट में सभी विधायकों की व्यवस्थाओं की देखरेख कर रही हैं और झारखंड के सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार सभी विधायक हैदराबाद के शमीरपेट में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं और यहां पर पुलिस बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। ये सभी विधायक 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए रिजॉर्ट से झारखंड रवाना होंगे। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, रेवेन्यू की लीकेज के लिए होगा ऑडिट। पंजाब में मान सरकार ने रेवेन्यू लीकेज पर बड़ा फैसला लिया है। रेवेन्यू में गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोजाना होने वाले जमीन जायदाद तरमीमा पावर ऑफ अटर्नी समेत जो फीसें इकट्ठा की जाती हैं उसे लेकर पंजाब सरकार लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी ऑडिट करवाने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार ऑडिट एजेंसी को सौंपेगी और इस ऑडिट का उद्देश्य रेवेन्यू की लीकेज का पता लगाना है। इसे लेकर बीते दिन ही लेटर जारी हो गया है। ऑडिट एजेंसी 2023-24 व 2025-26 तक का ऑडिट करने जा रही है। सरकार स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी करती है, लेकिन जो रजिस्ट्री करवा चुके होते हैं जिसके चलते उनसे पुराने रेटों के अनुसार ही पैसे लिए जाते हैं। ऑडिट करने पर जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है उसके बारे में पता चलेगा। पंजाब सरकार ने उक्त रेवेन्यू की लीकेज के बारे में पता लगाने वाली लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी ऑडिट करने वाली फर्म की फीस तय कर दी है। बता दें कि 1 से 5 करोड़ रुपए तक की रकम का ऑडिट करने पर 25,000, 5 से 10 करोड़ रुपए की रकम का ऑडिट करने पर 30,000 और 10 करोड़ रुपए से अधिक रकम इकट्ठी करने पर 40,000 रुपए मिलेंगे और इसी के साथ ही जालंधर के हेड ऑफिस में ऑडिट पर 50,000 रुपए की तय किए गए हैं। लोगों के रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 10B के केस होने पर ऑडिट के 30,000 रुपए मिलेंगे।
कनाडा के खुफिया आयोग की रिपोर्ट में दावा, भारत ने चुनाव में किया है हस्तक्षेप। कनाडा ने भारत पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल कनाडा की खुफिया सुरक्षा सेवा CSIS की ओर से सार्वजनिक की गई एक खुफिया रिपोर्ट में भारत पर वहां के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप में शामिल है। रिपोर्ट में इस पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट आने के बाद भारत कनाडा के बीच तनाव और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी हस्तक्षेप कनाडा की राजनीति में गहराई से अंतर्निहित है और सरकार के हर स्तर पर सक्रिय है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विदेशी हस्तक्षेप कनाडा के लोकतंत्र को तेजी से कमजोर कर रहा है और कनाडा के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक किया गया है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक जो हिस्सा सार्वजनिक किया गया है उसमें चीन और भारत को शीर्ष खतरों के रूप में नामित किया गया है। एक नोट में कथित तौर पर लिखा गया है कि भारत विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों में शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में भारत से जुड़े हुए दस्तावेजों को संबोधित किया गया है और यही केवल एक वाक्य है जिसमें भारत का जिक्र है। रिपोर्ट में गोपनीयता और धोखे से लोगों को प्रभावित करने की बात भी कही गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को सौंपे विभाग, 12 फरवरी को साबित करना है बहुमत। बिहार में नए गठबंधन की सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के लगभग एक हफ्ते बाद 8 कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है जबकि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है। आगामी 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी JDU और भाजपा के गठबंधन से नई सरकार बनने से विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर थी। खबर है कि भाजपा गृह विभाग अपने खाते में चाह रही थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग पर अपना हक कायम रखा है। भाजपा के उप मुख्यमंत्री चौधरी को वित्त और स्वास्थ्य समेत 9 विभाग दिए गए हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास भी कृषि, राजस्व और भूमि सुधार समेत कुल 9 विभाग हैं। मुश्किल में है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्राइसिस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही बड़ी बात। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्राइसिस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार अधिक शेयर धारकों के साथ जुड़ना चाहेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने पेटीएम से जुड़े हुए किसी भी सवाल पर जवाब देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी विशेष कंपनी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। दरअसल RBI की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई की गई है और RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वॉलेट से जुड़े हुए लेनदेन पर बैन लगा दिया है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम की ये दोनों सेवाएं बंद हो जाएंगी और इसके तहत आप वॉलेट से लेकर फास्टैग और अन्य बैंकिंग फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर हैं तो 29 फरवरी के बाद से कोई नई धनराशि इसमें जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें पहले से मौजूद राशि को आप निकाल सकते हैं। कैंसर को लेकर WHO की हैरान करने वाली रिपोर्ट, 2050 तक बढ़ सकते हैं 70% मामले। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस से पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर को लेकर एक चेतावनी जारी की है। दरअसल WHO के द्वारा जारी की गई इस चेतावनी में बताया गया है कि साल 2050 तक कैंसर के मामलों में 70% तक बढ़ोतरी हो सकती है। WHO की कैंसर एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने लोगों के लाइफस्टाइल और पर्यावरण से जुड़े हुए फैक्टर्स को कैंसर के मामलों में खतरनाक वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। एजेंसी ने कैंसर के लिए तंबाकू, शराब, मोटापा और वायु प्रदूषण को मुख्य कारण माना है। WHO ने 115 देशों में सर्वे नतीजों को छापे हैं और बताया कि अधिकतर देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हिस्से के रूप में प्रायोरिटी कैंसर और देखभाल सेवाओं को पर्याप्त रूप से फाइनेंस नहीं करते हैं। कैंसर पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुमानों के अनुसार पुरुषों में होंठ, मुंह और फेफड़ों का कैंसर सबसे आम था, जो नए मामलों का 15.6% और 8.5% है। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे आम थे। नए मामलों में इनकी हिस्सेदारी 27% और 18% थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीमें, ये है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। इस बीच दिल्ली के सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर शुक्रवार देर शाम एक नोटिस लेकर पहुंची थी। हालांकि इस दौरान किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस देर रात वहां से लौट गई थी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने बीते दिनों बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम सबूत मांगने के लिए सीएम के घर पर पहुंची हुई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 7 विधायकों से संपर्क करके 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इसके साथ ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने का भी लालच दिया गया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। पश्चिमी हिमालय पर बर्फबारी की तीव्रता बढ़ जाएगी तो वहीं उसके बाद एक बार फिर से इसमें कमी आएगी। आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश संभव है। पंजाब, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। आज का सुविचार, सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा, फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।